दोस्तों देहरादून और चमोली का मुकाबला होने वाला है और दोनों टीमें आ चुके हैं। देहरादून के सभी स्टार्स यहाँ पर देख सकते हैं भाई। दोस्तों ये नोटेल कोच साहब हैं जो कि हिमालयन एकेडमी के कोच हैं और पूरे जौनसर क्षेत्र में भाई बहुत नाम है कोच साहब का। फिलहाल देहरादून टीम को कोचिंग करा रहे हैं यहाँ पर स्टेट में। फिलहाल दोस्तों टॉस होता हुआ भाई दोनों टीमों के बीच में भाई टॉस जीता है देहरादून ने और कोच चूज किया भाई। फिलहाल पहली रेड यहाँ पर चमोली की ओर से देखने को मिलेगी दोस्तों। भाई दोस्तों पहली रेड यहाँ पर भाई देहरादून की तरफ से पहली रेड गुली ओवर के द्वारा। गुली ओवर जो कि बेहतरीन खिलाड़ी अच्छा है, हुआ खिलाड़ी है दोस्तों जौनसर ओवर का। मयंक भंडारी और ये सुपर रेड यहाँ पर मयंक के द्वारा। भाई सर आए हैं रेड पर और गलती कर बैठे हैं यहाँ पर प्रवीण कुमार 55 नंबर की जर्सी में, रिचपालकोट एकेडमी वाली जर्सी जिसने पहनी है भाई। भाई फिलहाल दोस्तों मयंक रेड पर है, काफ़ी बेहतरीन खिलाड़ी है भाई मयंक, चमोली का स्टार खिलाड़ी। और फिलहाल दोस्तों गुली ओवर आए हैं रेड पर, गुली ओवर काफ़ी लंबा खिलाड़ी है दोस्तों। और फिलहाल चमोली के कोर्ट पर और यह सुपर रेड गुली ओवर के द्वारा। और दोस्तों फिलहाल पाजी रेड पर सुखी पाजी। एम्प्टी रेड पाजी के द्वारा फिलहाल आयुष बिरसांटा जो कि स्टार खिलाड़ी है टीम बना के और काफ़ी बेहतरीन जंप। तो भाई काफ़ी बढ़िया जंप लगाया है आयुष बिरसांटा ने। फिलहाल मयंक भंडारी रेड पर चमोली की टीम से और मुकाबला बढ़िया चल रहा है दोनों टीमों के बीच में और काफ़ी शानदार रैंक लोड और सरेंडर करती है यहाँ पर पाजी ने। पाजी रेड भाई ऑलराउंडर गेम खेलते हैं पाजी यहाँ पर जहाँ तक हमने भाई पॉइंट देने की भरपूर कोशिश। फिलहाल रोहित ने ग्राम से बेहतरीन खिलाड़ी दोस्तों हिमालयन एकेडमी में प्रैक्टिस करता है ये खिलाड़ी और बेहतरीन हेडर की कोशिश। एक पॉइंट यहाँ पर कवर के खिलाड़ी द्वारा जो थी। फिलहाल चमोली का रेडर देहरादून के कोर्ट में पॉइंट लेने का प्रयास करता हुआ दोस्तों। शेखर नौटियाल जी उप निरीक्षक उत्तराखंड पुलिस, देहरादून की बड़ी खतरनाक टीम कुहार जी अपर यात्री एक बार फिर आयुषांटा आयुष ने की बांगा के नाम से इस खिलाड़ी को आप जानते होंगे। रंगारंग कार्यक्रम में पूरी टीम हमारे बीच में प्रशिक्षण कैप्टन इस टीम के आयुष ने की और एक बार फिर मयंक भंडारी रेड पर भाई दोस्तों चमोली की तरफ से। इससे पहले दोस्तों सुपर हिट लगा चुके हैं मयंक भंडारी और काफी भारी शरीर है मयंक भंडारी का और डुबके लाने का प्रयास, लेकिन काफी बढ़िया चयन भाई दोस्तों। गुली ओवर जो कि बेहतरीन खिलाड़ी है वीडियो बना। फिलहाल सुरेंद्र पाजी रेड पर भाई रोहित ने की सारी स्टार रेडर हैं हिमालयन एकेडमी के और काफ़ी बढ़िया हैंड टच यहाँ पर कॉर्नर को टच किया है। एक बार फिर पाजी रेड पर टू टच का प्रयास पाजी के द्वारा। और दोस्तों अगर स्कोर की बात करें 3-14 स्कोर चल रहा है, 14 देहरादून और 3 चमोली। चमोली फिलहाल इस मुकाबले में पिछड़ रही है। फिर एक बार रोहित ने की सारी रेड पर भाई बड़ा ही खतरनाक रेडर है ग्राम सेरी का और कल गांव वाइज में भी आप इस खिलाड़ी को देखने वाले हैं यहां पर। फिलहाल थर्ड रेड चमोली की ओर से भाई दोस्तों मुकाबला एक तरफ हो चुका है स्टार्टिंग में ही। एक तरफा मुकाबला देखने को मिल रहा है दोस्तों, लेकिन गलती कर बैठे।
फिलहाल रोहित नेगी सही रेट पर टच ले, इनका बेहतरीन प्रयास और पाजी के द्वारा गलती यहाँ पर एक बार फिर चमोली का रेडर रेट पर। विक्की बैंड से निवेदन है कि आप अपने इंस्ट्रूमेंट को आप अपने कमरे में रखे हैं, वहाँ पे हमारी एलईडी लग रही है, कृपया विक्की बैंड से निवेदन है कि आप अपने एलईडी लगाएं। दोस्तों सुपर टैकल ऑन है और रेट पर हैं राकेश जौनपुरी और रोहित जो भाई फोटोग्राफर काफी बढ़िया खेल रहे हैं अपनी टीम के लिए और लगभग दोस्तों एक तरफा होता हुआ ये मुकाबला देहरादून के भवन में 17-4 का स्कोर चल रहा है भाई और बेहतरीन टैकल यहाँ पर प्रियांशु भाई। दोस्तों सब्स्टिट्यूट के तौर पर विकेश को लाए हैं यहाँ पर देहरादून के कोच, विकेश भी दोस्तों बेहतरीन खिलाड़ी हैं और गुरुप्रस्थ अकेडमी में ये खिलाड़ी प्रैक्टिस कर रहा है दोस्तों। फिलहाल हैंड टच का प्रयास कवर पर विकेश द्वारा और भाई दोस्तों मयंक भंडारी रेट पर 21-4 का स्कोर होता हुआ और एक काफी बेहतरीन ब्लॉक यहाँ पर कल्याण का। एक बार दोस्तों विकेश सिंह चौहान फिर रेट पर लाखा मंडल से ये खिलाड़ी दोस्तों बड़ा ही बेहतरीन खिलाड़ी है। फिलहाल टच का प्रयास कर रहे हैं विकेश जो कार्यक्रम यहाँ पे चल रहा है उसको लाइव दिखा जाएगा। चाय वाले भैया से निवेदन है कि जो नीचे हमारे एलईडी लगा रहे हैं वो चाय मांग रहे हैं बहुत देर से, उनको चाय आप पहुँचा दें। और भाई दोस्तों फिलहाल कोर्ट चेंज होता हुआ 21-4 का मुकाबला चल रहा है। क्रिस आया है रेट पर, क्रिस भाई दोस्तों मयंक भंडारी आ चुका रेट पर भाई बेहतरीन खिलाड़ी है ये भी अपनी टीम के लिए। अब दोस्तों आए हैं बिना मोहन, बिना जो कि काफ़ी बढ़िया हैंड टच मारता है दोस्तों, मालियान एकेडमी का स्टार खिलाड़ी। एक बार फिर मयंक रेट पर है, पिछली बार बोनस लेने में कामयाब रहे थे मयंक। क्रिस आ चुके हैं भाई रेट पर दोस्तों, क्रिस नाम का खिलाड़ी है ये 11 नंबर की जर्सी में। फिलहाल देहरादून की टीम से रेट और टच मारने का प्रयास और शानदार अंक यहाँ पर। फिलहाल एक बार सुखी पाजी रेट पर भाई विकेश रेट पर गुरुप्रस्थ अकेडमी का ये खिलाड़ी दोस्तों फिलहाल देहरादून टीम की ओर से खेल रहा है। भाई 2 पॉइंट यहाँ पर, कम से कम 2 पॉइंट विकेश लेकर के गए अपनी टीम के लिए और ये रेट थर्ड रेट है दोस्तों, इस रेट में अंक लेना जरूरी है और डुबकी मारने का प्रयास चैन के बीच से भाई बिना के लिए सुपर टैकल ऑन है यहाँ पर। देखते हैं बिना क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए और ये काफ़ी शानदार किल का ही है। फिलहाल दोस्तों स्कोर की बात करें तो 7-25 का स्कोर है, 25-7 स्कोर चलता हुआ है और लगभग 5-6 मिनट का मुकाबला रह गया अब समाप्ति के लिए। तो 2 गेड़ी भैंस में क्रिस क्या कर पाते हैं अपनी टीम के लिए देखना पड़ेगा। टू टच लगाने का बेहतरीन प्रयास और ये सुपर टैकल होता हुआ भाई, सुपर टैकल यहाँ पर चमोली द्वारा। भाई दोस्तों सुखी पाजी रेट पर जर्सी नंबर 7 और विकेश द्वारा ये बेहतरीन थाई होल्ड। एक बार बिना फिर से सुपर टैकल में और इसी बीच मयंक रेट पर स्कोर दोस्तों 7-31 का
फिलहाल भी कैसे रेट पर लोकल बॉय हैं विकेश इस क्षेत्र के, नैनवाग क्षेत्र जो है वो विकेश का अपना क्षेत्र है और काफ़ी बढ़िया रेट। और दोस्तों फिलहाल चमोली के ओर से सौरभ रेट पर है भाई जर्सी नंबर 3 और काफ़ी बढ़िया ब्लॉक यहाँ पर कल्याण का, कल्याण ने कल्याण कर दिया रेडर का। फिलहाल विकेश रेट पर 5 के डिफेंस में, देखते हैं विकेश क्या कर पाता है अपनी टीम के लिए। फिलहाल अच्छा खासा स्कोर चल रहा है देहरादून की टीम से, एम्प्टी रेट माननी चाहिए विकेश को। फिलहाल संतोष 9 नंबर की जर्सी में सप्लिंग कर रहे हैं देहरादून के कोर में और लास्ट 5 मिनट यहाँ पर अंपायर ने अनाउंस कर दिए हैं इस मैच के। सुपर टैकल ऑन, क्या सुपर टैकल कर पाएगी चमोली की टीम यहाँ पर विकेश सिंह चौहान को। हेलो अंकित जी, राम सटोर और ये सुपर रेड लगा दिए हैं यहाँ पर विकेश ने सुपर टैकल में, 3 आउट हैं। और दोस्तों लोना लगा दिया है विकेश ने पूरी टीम पर इसी सुपर रेड के साथ। फिलहाल सुखी पाजी रेड पर अभी बेहतरीन। दोस्तों 11 नंबर की जर्सी में क्रिस आया हुआ है और अंतिम 4 मिनट का खेल शेष रह चुका है और बेहतरीन जंप आई। सौरभ 3 नंबर जर्सी में और काफी बढ़िया एंकल होल्ड यहाँ पर नीरज के द्वारा। एक बार फिर सुपर टैकल में पिने, 3 का डिफेंस, बड़ा ही बेहतरीन डिफेंस होता है कबड्डी में। और इसके साथ काफ़ी बढ़िया टर्न भाई परवीन आए हैं रेड पर। वैसे तो फिलहाल डिफेंस ही करते हैं परवीन, लेकिन आज पहली बार रेड पर देख रहे हैं इस खिलाड़ी को। काफ़ी बढ़िया बोनस लेने का प्रयास भाई परवीन का। और दर्शकों की जानकारी के लिए मैं बताऊँ तो भाई परवीन ने भाई बोनस ले लिया है अपनी इस रेड में, भले आउट हो चुके हैं बट बोनस ले लिया दोस्तों, जो कि अच्छे खासे रेडर नहीं ले पा रहे हैं। फिलहाल विकेश रेड पर है भाई, बेहतरीन फुटबॉल विकेश का इस बार पकड़े गए पाजी इस समय रेड पर। लगभग 2 मिनट का खेल शेष रह गया अभी दोनों टीमों के बीच में। फाइनल बॉल यस नगर और पाजी को भी अभी लास्ट एंड फाइनल बॉल टैकल किया है कल्याण ने। एक बार पिना मोहन फिर रेड पर, काफी बेहतरीन रेड है भाई ये भी और लात मारने का प्रयास। क्रिस आया दोस्तों रेड पर 11 नंबर की जर्सी में, टोटस लगाने का प्रयास और मैं एक बार फिर रेड पर और जंप मारने का प्रयास चैन के ऊपर से, लेकिन रोशन काफी बेहतरीन डिफेंडर हैं भाई। रोशन के काफ़ी फैन फॉलोइंग हुए इस ग्राउंड में और काफ़ी बढ़िया तालियां बज रही है रोशन के लिए भाई। फिलहाल दोस्तों मुकाबला समाप्त होता हुआ, परवीन रावत टेरी जवाहर देहरादून, स्कोरर परवीन कुमार टेरी, असिस्टेंट स्कोरर कमल नैन रतोड़ी टेरी।